जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्धमेश्वर तंत्र यानी रावण तंत्र का जो मूल है, जो कश्मीर में सहेज के रखा गया, उससे मैंने आपको काफ़ी यक्षिणी साधनाएं दी हैं। आज आप लोगों को मैं यक्षिणी नहीं पर यक्षराज तंत्र का एक साधना बताऊंगा, जो कि बसंत लतिका की साधना है। इस साधना को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी शक्ति इसमें आपको प्राप्त होगी वो होती है आकर्षण की शक्ति, वो होती है विश्वमोहन की शक्ति। कहा जाता है कि जिसने बसंत लतिका की साधना कर रखी है वो कामदेव को भी आकर्षित कर सकता है। तो उस बसंत लतिका की साधना मैं आज आपको बताऊंगा। बसंत लतिका की साधना के लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पहले चाहिए क्रिस्टल या फिर स्पेटिक में बना हुआ यक्षिणी का यंत्र। ऐसे तो ये मार्केट में मिलता है, जिसे ना मिले वो मुझसे संपर्क करे तो मैं आपको वो दिलवा दूंगा। उसके बाद आपको सिंगार का सारा सामान चाहिए, जो कि आप भेंट स्वरूप रखेंगे। आपको चाहिए एक चौमुखी दिया, जिसमें सिर्फ एक बाती डाल के आप जलाएंगे घी के दिए से, और प्रसाद नवेद पुष्प जो चढ़ाया जाता है। इसकी साधना अष्टमी तिथि की रात्रि के समय शुरू की जाती है, शुक्ल पक्ष में। आप उस यंत्र को अपने सामने स्थापित करेंगे, धूप दीप नवेद दिखाएंगे, वस्त्र श्रृंगार समर्पित करेंगे, और उसके बाद ऐसा ध्यान करेंगे कि बसंत लतिका उस यंत्र के ऊपर बैठी है, और जो उनका स्वरूप आप सोचेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा कि बहुत ही सुंदर वस्त्रों में अलंकार से युक्त है बसंत लतिका। उनका जो मुख है उससे चंद्रमा जैसा आभा मंडल है, और गोलाकार उनका मुख है। मृग की भांति उनके नयन हैं, जो केश हैं वो नितंब तक आते हैं और खुले रहते हैं। हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा, धनुष समान चाल, मतलब लचक हो चाल में, और नाभि ऐसी जिससे कामदेव भी मोहित हों। ऐसी देवी की आप साधना करोगे, ध्यान करोगे कि उस यंत्र पर स्थापित है। इनका जो जाप होगा वो स्पेटिक की माला पर होता है, और 11 माला जाप होगा। जो स्पेटिक का यंत्र रखा उसके सामने चंदन मिला करके जल रखिए। जिस तरीके से माँ भगवती के सामने चंदन अक्षत और पुष्प मिला के जल रखते हैं, इस पूजा विधान में आप सिर्फ चंदन मिला करके जल रखिएगा। और जब जब आप समाप्त कर लीजिएगा 11 माला, जो मंत्र आपको मैं दूंगा, तो ये जो जल है इसको चंद्रमा को अर्पित कर देना है। तो आप इस साधना को शुरू कीजिएगा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, और इसको समाप्त कीजिएगा पूर्णिमा में, ठीक है। आगे के विधान को बताने से पहले मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ, मंत्र सुनिएगा। ओम आंग ह्रीं यंग क्रोम हुम आगच्छ आगच्छ बसंत लतिके ह्रीं हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला आप स्पेटिक से जाप करेंगे, और जाप करने के बाद जो जल, जो चंदन वाला जल है, वो आप समर्पित करेंगे चंद्रमा को। अष्टमी से शुरू करेंगे
और इसको पूर्णिमा के दिन समाप्त करेंगे। जिस दिन आप पूर्णिमा के दिन समाप्त करेंगे उस दिन ये आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगी, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि क्या एक बार में सिद्ध हो जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे एक बार में सिद्ध हो जाए, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले भी बोला है कि साधक में कितनी शक्ति है, साधक कितना परसेंट अपना देता है साधना के प्रति, उस पर डिपेंड करता है कि प्रत्यक्षीकरण होगा कि नहीं, साधक मजबूत है कि नहीं प्रत्यक्षीकरण के लिए, ये भी शक्तियाँ देखती हैं। दूसरा, साधना करते समय सिर्फ इष्ट पर ध्यान होना चाहिए, फल पर नहीं। तो अगर आप साधना कर रहे हैं और 100% आप दे रहे हैं साधना को, साधना करते टाइम घर के राशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सगे संबंधियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और पूर्ण रूपेण इस साधना को दीजिएगा तो निश्चित इसका फल मिलेगा। मान लो कि एक बार में फल नहीं मिला आपको, तो दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, लेकिन दर्शन ज़रूर होगा। जैसे ही दर्शन हो इनसे कुछ मत मांगिए, इनसे पूर्ण रूपेण आकर्षण की शक्ति मांगिए, इतना आकर्षण जितना इनमें स्वयं है। इसके अलावा कुछ मांगिएगा तो आपके लिए अहितकारी होगा, क्योंकि यक्ष यक्षिणियों को हर कुछ देने के बदले कुछ वापस लेने का आदत होता है, लेकिन आकर्षण शक्ति के बदले इस साधना में आपको कुछ देना है नहीं होगा, सिर्फ भक्ति स्वरूप में उनको सदैव साथ रखना होगा, और यही चंदर और जो जल है ये पूजा करके उनको समर्पित करते रहना होगा। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक सीखना है, आसन बंधन, दिशा बंधन, शरीर बंधन, भैरव साधना का शुरुआत, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, नंबर है 9431188585। जिनको डायरेक्ट बात करना है, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ @CM4 सर्च कीजिए और मुझे कॉल कर सकते हैं। इंडिया, US, कैनेडा, तीनों देश से डायरेक्ट बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। वेबसाइट है www.aghortantrasya.xyz। बहुत अर्जेंट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि यक्षराज आप लोगों को बहुत सारा आकर्षण दे, ये मेरी उनसे कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।